नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सैकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी विद मी यानी सैकत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, नीचे लाल कलर का इस साइड पे सब्सक्राइब बटन है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं, उस पे क्लिक कर दीजिए और उसके पास में एक बेल वाला आइकॉन आएगा, उस पे भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप सबसे पहले उसको देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चैट हेड क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ही सब कुछ। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। जानता है चैट हेड क्या होता है, लेकिन आप अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं फिर से बताता हूं क्या होता है चैट हेड। चैट हेड मेनली होता है मैसेंजर में, व्हाट्सएप में चैट हेड नहीं होता। होता क्या है उसमें, मैं इस साइट पे आप डेमो देख सकते हैं उसका। तो चैट हेड होता क्या है, चैट हेड होता है क्या, अगर आप किसी के सामने चैट कर रहे हैं तो जब तक आप चैट करते हैं तब तक आपको मैसेंजर ओपन करके रखना पड़ता है, लेकिन चैट हेड अगर ऑन होगा तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। वो अगर आपका कोई मैसेज अराइव होगा तो आप अगर होम स्क्रीन पे हैं या कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उसमें ही एक कॉर्नर पे साइड पे बॉल आइकॉन आ जाएगा, देख सकते हैं आप, आ जाएगा और उससे आप दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। और उसको अगर कुछ देर तक आप प्रेस करेंगे, नीचे क्लोज बटन आ गया, उस पर डाल दीजिए, क्लोज हो गया। तो इससे क्या होता है, आपको मेनली मैसेंजर या व्हाट्सएप, मेनली मैसेंजर में ये फीचर्स है तो मैसेंजर को ओपन नहीं करना पड़ता है। आप कोई भी ऐप में काम कर रहे हैं, वो ऐप में काम करते ही है वही आप चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैसेंजर में इसको कैसे इनेबल करना है, इस साइड पे आप देख सकते हैं कैसे इनेबल करना है, मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना मैसेंजर में जाइए, आप कॉर्नर में ऐसा कुछ लोगो देख सकते हैं, आप देखिए उस पर क्लिक कीजिए। तो अब नीचे थोड़ा सा नीचे जाइए, चैट हेड इनेबल कीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप चैट हेड ऑन कर दिए हैं तो नेक्स्ट जो मैसेज आएगा आप देख सकते हैं, ऐसे होम पेज में अगर हैं तो होम पेज में आ जाएगा, या आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो साइड में आ जाएगा। मेनली नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सोचिए यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो कोई दोस्त ने आपको मैसेज किया है, ऊपर में नोटिफिकेशन ट्रे में आ गया, नोटिफिकेशन ट्रे नुमाए और उसके अंदर आप देख सकेंगे वो मैसेज। तो दोस्तों, मैसेज में क्लिक करेंगे तो वो आप यूट्यूब से डायरेक्ट चले जाएंगे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में अभी आप चैट कर सकते हैं, लेकिन चैट के फीचर से आप यूट्यूब में वीडियो देखते हुए भी चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के लिए चैट कैसे करना है मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए व्हाट्स बबल, आ रहा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है व्हाट्स बबल, इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल हो रहा है, इसके लिए ज्यादा कुछ परमिशन नहीं लगता है। नॉर्मली ये कोई रिस्की ऐप नहीं है, कोई आपका पर्सनल डेटा को हैक नहीं कर सकता, तो चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। डाउनलोड कर लीजिए, अब उसको जाके एनेबल कीजिए। ओके, देख सकते हैं आप, मैं दिखा रहा हूं इस साइड पे, तो एनेबल कर लिया है अगर आपने। तो उसके बाद आप
व्हाट्सएप में अगर कोई नेक्स्ट मैसेज आएगा तो आप देख सकते हैं चैट हिट। तो दोस्तों मैसेंजर का चैट हिट इसका खुद का फीचर्स है, सो अगर आप मैसेंजर रैम से क्लियर भी कर देते हैं तो भी ये चैट हिट फीचर्स ऑलवेज एक्टिवेट रहेगा। तो चैट हिट फीचर्स ऑलवेज एक्टिवेट रहेगा मैसेंजर में, लेकिन व्हाट्सएप के लिए जो वर्ड्स बबल जो ऐप है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेडमी का यूजर है, मैं साइड में दिखा रहा हूँ कैसे उसको लॉक करना है, जिससे अगर आप रैम क्लियर करते हैं तो वो क्लियर नहीं होगा, रैम से वो एप्लीकेशन मिट नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, तो ये कर लीजिए और क्या, एंजॉय कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज 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 नीचे लाइक बटन है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो के एडिटिंग अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कुछ दिन बाद और एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कैसे ऐसे एडिटिंग करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।